डियर फ्रेंड, ये है स्प्लिट एसी का आउटर पार्ट और ये वाला हिस्सा हमने खोल रखा है। घर पे ही क्लीनिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी धूल मिट्टी लगी है चारों तरफ से। ये देखिए दिखा रहा हूँ कितना गंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा डस्टी है। ये इस वाली साइड से देखिएगा, ये बाहर से दिखाता हूँ ये। और कुछ नहीं करना है हमको, टंकी में पाइप लगाना है हल्का सा और उससे क्या कर देना, प्रेशर मार देना है तो इसकी कूलिंग जो है ऑटोमेटिकली क्या है बहुत बढ़ जाएगी। ये देखिए नीचे हमने टंकी में पाइप लगा दिया है और ये वाला है, इससे हम इसकी क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे यहाँ पर दोनों साइड से। आने लगा पानी, खोलो से खोलो, टैप को खोलो। अब देखिए पानी आना शुरू और ये नीचे दिखाएंगे बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकलेगी, इसीलिए इसकी कूलिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी ठीक से। ये देखिए पानी आना शुरू और ये पानी गिरना। इस तरह से हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, सफाई करेंगे। अब देखिए गाइस, इस तरह से इसको धीरे धीरे हम लोग साफ़ कर रहे हैं और जैसे ही धूल निकलती जा रही है वैसे ही वो वाला हिस्सा इसका साफ होता जा रहा है। ये जब से आया है तब से इसकी सफाई नहीं की है और इसकी कूलिंग जो है पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी, तो मिस्त्री को कंसर्न किया। देखिए जहाँ जहाँ ये पानी का प्रेशर पड़ता जा रहा है वो वाला एरिया ऑटोमेटिकली क्लीन और सिल्वर जैसा निकलता चला जा रहा है, चांदी जैसा निकलता चला जा रहा है। वाटर गन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रेशर है उसी से ये काम हो जाएगा। मैकेनिक सिर्फ ये भ्रम में डालते हैं कि वाटर गन होनी चाहिए तो धूल निकलेगी, ऐसे भी धूल निकल रही, काफ़ी सफिशिएंट धूल निकल रही है। देखिए इस तरह से दोस्तों, अब ये हमारा एसी पूरी तरीके से, ये आउटर जो पार्ट है क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ, देखिएगा बिल्कुल साफ चमक रहा है। और अब कुछ नहीं करना है, ये वाला जो ढक्कन है इसको क्या करना है, ऊपर लगा देना है और ये बहुत ही बढ़िया कूलिंग देने के लिए क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है।